इंडिया इतने अच्छे से डोमिनेंट है, तो वो एक एक तो फैन है जो आपको ट्रोल कर रहा है, या आपकी प्यार से करे या गालियों से करे, आपको कह रहा है भाई तुम लोग फारे हो ये वो। बट देन हमारी उम्र के जो फैंस, इंडियन फैंस हैं, ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिया की इतनी पावर है कि वो अक्सर, यार अभी भी याद है क्या है? पाकिस्तान के पेसर होते थे, ये होता था वो होता था। लाइक पीपल आर एज, ओल्डर मिलेनियल्स फ्रॉम इंडियन फैंस रियली, उनकी टीम की एक सर्टन वाइब थी जो बहुत ज्यादा बदल गई एज यू टॉक्ड अबाउट इन दोज एराज। और एक चीज यही थी कि ठीक है जितना भी इंडिया सक्सेसफुल हो, लाइक यार पाकिस्तान के जो पेसर्स होते थे, तो आप लोग के जो खास तौर पर डायस्पोरा में बैठे हैं आप लोग देखें ताकि हमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, आप लोग के लिए ये अगला सेगमेंट है, क्योंकि पाकिस्तानी अबनाव बुड्ढों की जो एक पॉडकास्ट थी पेस स्पेस, यार पाकिस्तानी पेस एट, चाहे वो इफेक्टिव हो, एनालिटिकल हो, जो कुछ भी हो, उसके जो जो सबसे बड़े लवर्स थे उन्होंने जो एक ग्रुप बनाया हुआ था उस पर कल ना ही सिर्फ ये बहस हुई, बल्कि बहस का अख्तिताम भी यही हुआ कि आई एम गोना से द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, जसप्रीत बुमराह वसीम अकरम से बेहतर है। ठीक है, मतलब अब आप वही सोचें कि बात, चाहे वो आप किस हद यकीन तक बात करें, अग्री लगेगी? करें, नहीं करें, कि यहां तक वही जैसे अहमद शहजाद बाबर को डिस्कस करने लगा था ना, कि जब डिस्कशन ही यही आ गई है तो सब कुछ बदल चुका है। एंड फॉर मी ऑब्वियसली देयर वाज लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आई वुड मेक अगेंस्ट बुमराह। एक जो बहुत बड़ी बात थी कि भाई मोमेंट्स मोमेंट्स ये वो इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, लाइक वैसे ही इज एन अमेजिंग स्किल्ड बॉलर, बट वॉट ही डिड दोज मोमेंट्स, एंड उस्मान यू रियली रिटन रियली रियली ब्यूटिफुली अबाउट बुमराह, सो टेक इट अवे, व्हाट अ मोमेंट दिस वॉज फॉर इंडियन फास्ट बॉलिंग। Wait, you cut off there completely. Sorry. मैं कह रहा था कि उसको यू've हाँ written really beautifully on तो बुमराह एंड बुमराह's place in Indian cricket. So yeah, take it away, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप विनर। डोंट पुट एनी प्रेशर ऑन विद दैट बिल्डअप। यार आई द बॉटम लाइन बेटर इज देन वी सीन। देर इज नो बॉलर, नो फास्ट बॉलर दैट आई लाइक वॉचिंग मोर एंड दैट आई हैव लाइक वॉचिंग मोर एंड गॉटन मोर एक्साइटेड अबाउट हिज स्पेल्स टू वॉच over the last 5 6 years then बुमराह। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि आप, मैंने मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन थी फाइनल की, उसकी बॉलिंग की, ये थी कि आप उसे रेड बॉल दे दो, आप वाइट्स में उसे पहना देते, जिस तरह की वो बॉलिंग इस फाइनल में करा रहा था ना, उससे ये आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन से फॉर्मेट में बॉलिंग करा रहा है। उसकी जो लेंथ थी, उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो मूवमेंट जो वो निकाल रहा था बॉल के साथ, नई बॉल के साथ, जो बॉल से यार खुदा का खौफ करो, जिस बॉल से उसने रिजा हेंड्रिक्स को आउट कर रहा है। यार रिजा हेंड्रिक्स बेचारा वैसे ही उसका बहुत ही बुरा टूर्नामेंट चल रहा था, लेकिन किसी तरह से साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच गए। रिजा हेंड्रिक्स को खींच खिंचा के वो क्या, नहीं यार ये खेलेगा, हमारी टीम में रहेगा, जो भी है, रन नहीं बन रहे, हमारे पास और ओपनर भी नहीं है, हम खिलाएंगे इसे, खिलाया ओनली फॉर हिम टू रिसीव दैट बॉल इन द फाइनल। लाइक उस बॉल के साथ द ओनली वे टू कोप विद दैट डिलीवरी इज काइंड ऑफ टू बी प्राउड टू बी द गाय हु गॉट आउट ऑफ दैट डिलीवरी, कि देखो यार मुझे तो इस बॉल से उसने आउट करा है, वरना तो लल्लू पंजू बॉल पे, जैसे क्लासन तुम जिस तरह से आउट हुए हो पांड्या के बॉल पे, मुझे देखो मुझे तो सही सीट मिली थी। सो फॉर हिम टू बी एबल टू बोल दैट एंड देन कम बैक एंड बोल, Marco Jansen is a promising all-rounder at best. He's a promising short-form batter. I think, he can do stuff. He's got some actually long-form runs. कर सकता है वो। उसे जिस तरह से इसने आउट करा है, and above all that, पूरी गेम में जो जिस तरह से ebb and flow हो रहा था गेम का, it was building to this moment. So when Klaassen took those 24 off Akshar's over, उसी वक्त से, या Klaassen की जब पार्टनरशिप बन रही थी मिलर के साथ, उसी वक्त से बात ये चल रही थी कि अच्छा बुमराह कब आएगा वापस, बुमराह कब आएगा वापस। The only decision Rohit Sharma has to make now, the only decision, they're in a goddamn World Cup final, the only decision he has to make now is Bumrah ko kab wapas lana hai, which, if you rewind, I don't even know, 32 years now, 32 saal ho gaye hai na Pakistan ko jeete hue, us final mein Lamb aur Fairbrother ki partnership ho rahi thi, and the only decision that Imran had to make was ki main Wasim ko kab wapas launga, because ye banda mujhe match, या तो ये इतना कोई इफेक्ट नहीं करेगा या ये मैच जिता के जाएगा।
मगर मुझे इसकी चांस अभी लेनी है एंड दैट्स रोहित ब्रॉट बैक बुमराह एक्चुअली इन ओवर अर्लियर देन ही वुड हैव डन यूजुअली बिकॉज उसे लग रहा था कि यार हाथ से थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा है मैच काफी निकल चुका था एग्जैक्टली तो आई हैव टू ब्रिंग हिम बैक आई हैव टू ब्रिंग हिम बैक एंड द वेरी फर्स्ट बॉल दैट ही बोल्ड ऑफ दैट स्पेल डेविड मिलर फेस कर रहा था एंड उसने जिस तरह से डेविड मिलर को बीट करा एंड इट वाज बेसिकली द मिरर इमेज ऑफ वसीम बॉलिंग टू लैम्ब वो अंदर आके बाहर निकली है ये आउट नहीं करा लेकिन पहली बॉल से मिलर और क्लासन को पता चल गया अच्छा बच्चे जो हम लोग अभी जो गेम खेल रहे थे ना अब वो सब भूल जाओ ये हमें दो ओवर बस निकालने हैं और कुछ नहीं करना है ये हमें दो ओवर किसी तरह से 12 बॉल बुमराह की हमें हम 3 रन बना ले हम 4 रन बना ले जो भी दैट्स अ बोनस हमें निकालना है हमें आउट नहीं होना है दैट वेरी फर्स्ट बॉल शोड एंड यू नो सो द ये जो है ना दिस इज व्हाट पुट्स हिम फॉर मी दिस इज व्हाट पुट्स हिम इन लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट योर ग्रेटेस्ट एंड ऑल दिस क्रैप हम जो करते हैं यू नो बेसिकली वी टाइम वेस्टिंग बट दिस इज व्हाट पुट्स हिम इन दैट लीग ऑफ And guys like McGrath and guys like Malinga, by the way. Let's not forget somebody, white ball genius, legend like Malinga. जिनको आप ball जब देते थे ना, तो you expected the game to change. कि अब जो एक game चल रही है, हम इसे ball दे रहे हैं, अब ये इस game को ये यहाँ पे ले जाएगा, और ये अलग एक game चल जाएगी. Like he's creating that parallel universe and taking the game there so that you can go back and say, कि what if Bumrah didn't come at this moment in the 15th over, South Africa would have gone and won it. Except Bumrah came and he screwed it right up and India won somehow. You know, it's that level of greatness. So, and you watch this anyway. Tum Bumrah ke maine last two test spells dekhe was against England in the series against England earlier this year. You watch him. Anytime he comes on, you expect something to happen and something does happen, which is that intangible quality, I guess, jo Wasim jaise bowlers laate the. I think ke jo मैं तो भी अपने आप को उसमें शामिल करूंगा कि जो कुछ कंप्लेंट्स बुमराह के खिलाफ के एक क्या रस का रन अप सच एन ऑकवर्ड ऑफुल रन अप इट लुक्स लाइक वो जो पेनल्टी किक्स में लोग साइक आउट कर रहे होते ना कीपर को अब छोटी स्टेप्स के लाइक आ रहा नहीं आ यू नो कि वो बिजली आ रही है नहीं आ रही है टाइप सिचुएशन या एंड देन के ऑब्वियसली ही इज अ रियली सॉफ्ट स्पोकन नॉन काइंड ऑफ एक्सप्रेसिव प्लेयर जहाँ पे Obviously, इतने अच्छे से क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स के साथ वही क्लीशे गुस्सा होता है गाली देता है और ये करता है वो करता है Obviously, you know, I love the showmanship. But I think जो मेरे ये खुद भी इन सारे कंप्लेंट शिकायत का जो जवाब था कि जो बुमराह की बॉलिंग है लाइक यू जस्ट सेड एक तो ये है ना कि भाई वो आके आपको पता है कुछ होगा बट इट्स नॉट जस्ट कि कुछ होगा कि you know, like McGrath was not that exciting to watch, even though like narratively बहुत exciting था. But Bumrah की bowling just if you, especially these last two World Cups, like in big games, maybe not that final against Australia, but otherwise, like आप उसकी wicket भी उठा के देख लें, with something you were saying, you can't tell the format. You know, that's he's bowling such brilliant deliveries. जो Jansen और Shadab को जो उसने bowling कराई है, तो you know, yes, those weren't batters of the highest quality or whatever, but those deliveries would have taken out like अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों खासतौर पे मैच की उस पोजीशन में और उसी के साथ साथ मैं ये भी सोच रहा था कि T20 में जो एक हमेशा से वो होता था कि यार इसके ना चार ओवर तो हमें क्या कहते हैं लाइक यू नो वी जस्ट कांट टेक एनी रिस्क इसके चार ओवर तो जाया होंगे 16 ओवर में बनाना है ऐसे बॉलर आते रहे हैं और अक्सर वो स्पिनर होते हैं जो पावर प्ले में करा देते हैं तो आपके पास सुनील नारायण हो गया सैमुअल बद्री हो गया या राशिद खान हो गया और यू नो बीच बीच में आपके मे बी लाइक मुस्तफिजर के एक दो साल ऐसे थे बट बुमराह की और वहां पे हमने पहले भी ये यू नो ऑफ कैमरा बात की थी कि वसीम ऑब्वियसली हैज द लॉन्गेविटी गोइंग फॉर हिम मगर बुमराह की एटलीस्ट T20s में एक पेसर की ये दहशत होना फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म ये काफी अनप्रेसिडेंटेड You know, like again, like you had certain bowlers जिनके खिलाफ को बताया कि हाँ ठीक है अब ये you know ये चार ओवर्स आए ही होंगे और वो बुमराह के साथ भी हो रहा है but Bumrah is bowling at the death as well like I can't think of any of those bowlers you know the Rashids and Badris and Narayans bowling कल Fernando ने हमारे लिए जो पीस लिखा था Andrew Fernando ने on Bumrah as player of the tournament उसमें उसने उसकी स्टैट्स दिखाई थी फ्रॉम द लास्ट 3 T20 वर्ल्ड कप्स एंड ही मिस्ड वन ऑब्वियसली उसने एक मिस करा था ऑस्ट्रेलिया वाला जो था
उन तीनों वर्ल्ड कप्स में इसकी इकोनॉमी आई थिंक पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में हेड एंड शोल्डर्स बेटर देन एनीबडीज, एंड इन द मिडिल ओवर्स ही इज लाइक सेकंड और थर्ड यू नो इकोनॉमी पे. सो लाइक वो जिस अभी जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है ना, इस टूर्नामेंट में जो उसके फिगर्स थे, यू पुट देम ऑन अ सेपरेट प्लेन टू समबडी एल्स. एंड अगेन गोइंग बैक टू दैट, यू नो कि पता नहीं चलता है कौन से फॉर्मेट में बोलिंग करा रहा है. तुम इसकी विकेट्स देख लो, लाइक सम ऑफ हिज मोस्ट मेमोरेबल विकेट्स, द शॉन मार्श LBW इन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, लास्ट बॉल बिफोर लंच स्लोअर बॉल, ओली रॉबिन्सन को स्लोअर बॉल फ्रॉम अराउंड द विकेट. Ollie Robinson, right-hand batsman, he got an LBW from around the wicket with the slower ball in a test match. I think it was at Lord's. Just like he wicket leta hai na, it doesn't matter. That's I think that's the true kind of sign of his genius. Is that he can bowl the ball that he bowled to Reza Hendricks in a test match, in an ODI, in a T20, and get a wicket off it. He can bowl the ball that he bowled to Jansen, which was a more conventional kind of reverse swing, tailing into your pads, but not Yorker length, a little bit like kind of good length. He can bowl that in a test match, ODI and T20, and get a wicket. He can get you edged out, caught at slip in a T20. He can get you bowled off a Yorker in a test match. Wo, he, uski ye genius hai, jo, you know, hum log Waseem bhai ki bhi yehi kehte the ki yaar, wo one day khel rahe ho ya test khel rahe ho, wicket unki waisi hi hongi. Ya to wo aapko new ball se out karenge kisi tarah se, ya aapko slower ball pe out karenge, ya bouncer deke out karenge. He bowls across formats in the same manner. He's quick, he's fast. The only thing I think in terms of jo uski skill hai, jo uski mastery abhi chal rahi hai, uska jo peak abhi ek moment chal raha hai, uski cross format jo genius hai na, I think like he's there.